हेलो, नमस्कार। मैं प्रीति जैन बोल रही हूँ। पिछले फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि लो बीपी कोई बीमारी नहीं, बस एक भ्रांति है। तो ये क्यों बना है मिथक? ये मिथक पुरानी परंपराओं से उत्पन्न ना होकर काफ़ी नया लगता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर नापने का चलन भारत में पुराना नहीं है। बहुत से अप्रशिक्षित डॉक्टर ने महिलाओं या व्यक्तियों की इन समस्याओं में लो बीपी कहकर ड्रिप देना शुरू कर दिया। ड्रिप के बाद पानी की आपूर्ति होने और मनोवैज्ञानिक कारण से इन मरीजों को बेहतर महसूस होता है, और ये धारणा प्रचलित होकर गहरे बैठ गई कि मुझे लो बीपी है। फिर दवाई क्यों देते हैं? जब मरीज लो बीपी की शिकायत करता है तो डॉक्टर उन्हें दवाई भी दे देते हैं। तो ऐसे में ये सवाल पूछने का भी लाजमी है। जब लो बीपी नाम की कोई बीमारी नहीं तो फिर डॉक्टर्स दवाई कैसे दे सकते हैं? दरअसल डॉक्टर थकावट, चक्कर आना, चिड़चिड़ापन, नींद कम आना, मन उदास होना जैसे लक्षणों को दूर करने के लिए विटामिन डी, विटामिन बी 12, आयरन, फॉलिक एसिड, जिंक इत्यादि की सप्लीमेंट्स देते हैं। तो यहाँ भी मरीज मान लेता है कि उसे लो बीपी समस्या है और उसका डॉक्टर दवाई भी दे रहा है। इससे भी मिथक को ज़्यादा प्रसार हो गया है। तो इस प्रकार मैंने फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट में बताया कि लो बीपी कोई बीमारी नहीं, बस एक भ्रांति है। तो आज की वीडियो में इतना सही। आप आगे नई वीडियो देखती रहिए और मेरे टेक प्रीति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, गुड इवनिंग।